गोर लगातनी समाचार बटुए डुमराव से बड़ा खबर आ रहा बटुए नया भोजपुर के सब्जी मंडी में लागल भीषण आग। चार दुकानदार के 4.5 लाख रुपया नगद जरल। सब कुछ जर के आलू प्याज मक्का भइल राख। 3 गो फायर ब्रिगेड के गाड़ी जैसे तैसे कह के आग पे पावल काबू। खबर का बटुए सब बताई भोजपुरिया समाचार। आग के भयावहता के एक गो दिखाई सीन भोजपुरिया समाचार। चैनल पो नया बानी तो अभी बेल आइकॉन के बटन दबा के सब्सक्राइब कर ली। फेसबुक पो बानी तो फॉलो कर ली। कमेंट करके बताई कि खबर कैसन लागल तो खबर जान ली। डुमराव अनुमंडल के नया भोजपुर सब्जी मंडी में सूख के दोपहरिया के भयानक आग लागल। आग देखते देखते 4 गो दुकानदार के मेहनत आ पूंजी सहित 4.5 लाख से ऊपर रुपया जर के खाक हो गई। आग लगी के कारण के पता ना चल सकल। हालांकि समय से दमकल कर्मी मौका पे पहुंच के मोर्चा संभलने आ आग के बुझैले। नहीं तो क्षति और बड़ रूप ले सकत रहे। ये आग लगी में आलू आ प्याज से लेके तराजू अलमारी दुकानदार के अन्य रोजमर्रा के वस्तु जर के खाक हो गई। दुकानदार के कहना बा कि ये भीषण आग लगी के बाद उस सड़क पे आवे के मजबूर हो चुकल बड़न। सब कुछ जर के खाक हो गई। कहें से कि कुल जमा पूंजी भी आग में जर के राख हो गई। यह क्षति में डुमराव निवासी बबन सिंह के लड़का रविशंकर कुमार के 30 बोरा आलू 15 बोरा प्याज एगो तराजू और बांस के बनल सेट जर के खाक हो गई। वही दुकानदार राकेश तुरहा पिता मुंजी तुरहा बतैलन कि वो अलमीरा में 4,65,000 रुपया सुबह रखले रहन जौन कि व्यापारी के भेजे के रहे। कुल पैसा जर के खाक हो गई। एकरा साथे साथ 4 गो तराजू 2 गो अलमारी करीब 30 गो प्लास्टिक के कैरेट सहित लाखों के सामान जरी गए। मुकुंदपुर निवासी दुकानदार प्रभुनाथ चौधरी पिता रामराज चौधरी बतैलन कि इनकर भी मड़ई आ अन्य वस्तु जल के राख हो चुकल बा। एकरा अलावे दुकानदार बतैलन कि महादेवगंज निवासी धर्मेंद्र तुरहा पिता ललन तुरहा के भी सब कुछ जर के खाक हो गए। उ मौका पे ना रहलन ऐसे आकलन अभी स्पष्ट ना बता पैलन। घटना के सूचना मिलते फायर स्टेशन के स्टेशन मास्टर ब्रिज कुमार चौधरी अपन दल बल के साथ मौका पे पहुँचल। सूचना पे फायर ब्रिगेड के पहले एगो गाड़ी मौका पे पहुँचल लेकिन आग के लपट आ तेजी से बढ़त प्रसार के देख के स्टेशन ऑफिसर मौका पे 3 गो गाड़ी मंगेलन। जेकरा बाद आग के बढ़त प्रसार पर अग्निशामक दल काबू पा लिहल। आग पे काबू पावे में अग्निक अनिल कुमार मोहम्मद इब्राहिम आलम गृह रक्षक चालक सुशील कुमार चौरसिया सहित अन्य दल दमकल कर्मी अपन पूरा ताकत झोंक दिहल। दुकानदार बतैलन कि फायर ब्रिगेड के आवे तक लाखों के संपत्ति जौन बटुए जरी गई। फायर ब्रिगेड टीम थोड़ा और लेट पहुँचल होत तो क्षति अतने ना दोगुना हो सकत रहे। हालांकि यह मामला में जानकारी लेवे खातिर भोजपुरिया समाचार के टीम अंचलाधिकारी से वार्ता करे के कोशिश कैलस लेकिन उनका से संपर्क ना हो पाव। आग लगी इतना भयावह रहे कि देखला के बाद लोग सिहर जात रहे। आलू तो लागत रहे कि क्यूंटल के क्यूंटल चोखा बन जाए। ऐसन पाकी के आलू होल रहे। प्याज के दशा और खराब रहे। इतना भयंकर आग लगी दृश्य रौरा देख सकीला। देखला के बादे रुआ सिहर जाए। वो तो दमकल कर्मी रहन कि समय से पहुँच गएलन नहीं तो और लाग लागी तो का हालत। सबसे बुरा हाल तो वो दुकानदार के बाद जवन बेचारा कुल जमा पूंजी 4,65,000 रुपया धैले रहे ओकरा नगद रुपये में आग लागी। ओकरा पोका भी तो थोई एहमें चाही कि अंचलाधिकारी के जगह पे पहुँच के आग लगी के जवन भी नुकसान बा ओकर आकलन करके दुकानदारन के भरपाई कई जाओ। भोजपुरिया समाचार चैनल पो नया बानी तो सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करी ताकि देश ना विदेश तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।